जी सर, ये लड़का जो कहाँ से बरामद किया था और कब इस पर मामला दर्ज किया था? एक पवन कुमार लड़का जो हमारी सदर पुलिस ने चेन्नई से इसको बरामद किया है, और ये इसकी माता राजबाला ने 13/3 को एक दरखास्त थाने में दी थी क्योंकि उसका लड़का पवन जो कि दिमागी रूप से परेशान है और करीब 8-9 महीने से ये यहाँ से गुमशुदा हो गया था। जो पुलिस ने इसके बारे में भरसक प्रयास किया और सूचना एकत्रित की, इसका पता चला कि चेन्नई में। तो कैसे पता चला सर ये चेन्नई में है? क्या इसके लिए क्या क्या अपनी तरफ से प्रयास किए? हमने हर फेसबुक पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे, जो पुलिस के हमारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनके ऊपर हमने इसकी फ़ोटो और जो हमारी FIR थी वो हमने भेज रखी थी। तो सोशल मीडिया के सहयोग से हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई कि ऐसा एक लड़का जो कि चेन्नई में किसी के पास है, जो कि उन्होंने हमारे पास इन्फॉर्मेशन दी और हमने इस इन्फॉर्मेशन को डेवलप किया और हमारी जो सदर की टीम हेड कॉन्स्टेबल वीरेंद्र सिंह और जयदेव सिंह को चेन्नई भेजा गया और जहाँ चेन्नई सीसी को बरामद किया। तो ये किसके पास था सर वहाँ? चेन्नई में एक वहाँ एक राजस्थान नाम के लड़के के पास था, उन्हीं का हमारे पास फ़ोन आया था कि व्हाट्सएप पे ये लड़का की फ़ोटो आपने डाल रखी है, मेरे पास है। और फिर हमने उसके साथ फ़ोन पे बात की, उसे कहा भी लड़के को मैं हम अपनी पुलिस की टीम को भेज रहे हैं, उस लड़के को अपने पास रखो, जो उसने भी हमारा काफ़ी सहयोग किया और जो कि लड़का उसी के पास। तो ये सर पहुँचा कैसे था वहाँ? इसकी दिमागी रूप से परेशान था, ये किसी ट्रेन में बैठ गया, ट्रेन से ये चलता रहा, इसको इतनी सूझबूझ नहीं थी कि कहाँ जा रहा है। तो कितने दिन बाद लेकर आए हैं सर अभी, कितने दिन के अंदर? करीब एक हफ्ता हमें वहाँ से चेन्नई से आने जाने में करीब लग गया। एक इसके भाई भी बताया जा रहा है जी, उसका क्या मैन रोल रहा है जी? एक इसका बड़ा भाई है जो बेंगलोर रहता है और उससे भी हमने संपर्क किया था कि आपका जो ब्रदर है वो चेन्नई में है और आपके काफ़ी नज़दीक है, लेकिन उसके भाई ने भी इसको लाने से मना कर दिया। तो फिर किस तरह से मामला कदम उठाया गया जिसके भाई ने, क्या कहा, कोई बताया कि कुछ नहीं? हमने हमारे पास FIR दर्ज थी और हमने उसको बड़े प्रायोरिटी बेस पर लिया भी, कोई लड़का जो बेचारा दिमागी रूप से परेशान है उसको बरामद करके इसकी माँ के अच्छा हवाले कर दिया।